हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। क्लोरोफिल टिपिकली पोरफायरिन रिंग, जो कि उसका हेड भी होता है, पोरफायरिन रिंग और उससे जुड़ी हुई एक फाइटोल टेल से मिलके बनता है। नॉर्मली ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस क्या है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल का यही मकसद है, ये बताना कि क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करें, एक आइडियल क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो किसी भी आइडियल क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम आयन से जुड़ा हुआ एक रिंग बनता है, जिसको पोरफायरिन हेड कहा जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज पोरफायरिन हेड और सिंपली पोरफायरिन रिंग। इसके साथ एक फाइटोल टेल जुड़ी हुई होती है, इसको फाइटोल टेल बोलते हैं। दिस इज तो क्लोरोफिल ए में इस पोरफायरिन पे, ये आप देख रहे हैं, दिस इज ये मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है। दिस इज मेथिल ग्रुप। तो ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर होता है। सेम यही स्ट्रक्चर मैग्नीशियम पे जुड़ी हुई पोरफायरिन की बनी हुई संरचना, पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन रिंग और इससे जुड़ी हुई फाइटोल टेल, एकदम सेम टू सेम क्लोरोफिल बी में बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही होता है। द डिफरेंस, जो यहाँ पे जो डिफरेंस मार्क किया जाता है कि यहाँ पे जहाँ के क्लोरोफिल ए में यहाँ पे क्या था, मेथिल ग्रुप था, इसकी जगह यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, CHO। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी।